हाय एवरीवन, दिस भारतीय मिलगुडु में चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग सिलेबस निकलवाओ, उसे पढ़ना शुरू करो, पर क्या सारे टॉपिक्स करने हैं जितने भी सिलेबस में लिखे हुए हैं? नहीं, वो सारे टॉपिक्स नहीं करने। तो कितने टॉपिक्स करने हैं ये कैसे पता चले? क्या सीरियल ऑर्डर में सिलेबस सारा करना शुरू करना है? जितने टॉपिक्स लगे क्या सीरियल ऑर्डर में करने हैं? नहीं, इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। प्लस थ्योरी सब्जेक्ट्स के क्या नोट्स बनाने हैं? नहीं, ये सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में कंपाइल होकर मिल जाएंगे। नंबर वन, जितना भी सिलेबस आपके पास पेजेस में लिखा हुआ है, जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो आपके सिलेबस में क्या लिखा है, यूनिट वाइज है या फिर आपको मतलब ऐसी सिर्फ सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। पहले उनकी बात करते हैं जिनके सिलेबस में यूनिट्स मेंशन है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर या फिर दो यूनिट्स मेंशन है। जितनी यूनिट्स मेंशन है हर यूनिट में आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यूनिट वाइज पेपर बनते हैं आपको चॉइस मिलती है कि दो में से एक क्वेश्चन करना है। हर यूनिट में दो क्वेश्चन होते हैं, आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो आप बहुत अच्छे से पूरी यूनिट करने की बजाय उसको 60-75% कर सकते हो रिस्क कवर करने के लिए, और आपका क्वेश्चन अच्छे से हो सकता है। आप जो टॉपिक्स छोड़ रहे हो इसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, आप ये टॉपिक्स छोड़ के भी 80 out of 80 ले सकते हो अगर स्मार्टली टॉपिक्स चूज कर रहे हो। जब आपने अपने सिलेबस निकलवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी साथ में निकलवा लो, लाइब्रेरी से भी मिल सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी वाइज बुकलेट्स भी बनी मिल सकती हैं आपको बुक शॉप से, उनसे जाकर पूछो। हर काफी सारे पब्लिकेशंस हैं जो यूनिवर्सिटी वाइज क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं प्रीवियस ईयर, तो वहां जाके देखो किन चैप्टर से आपका एक यूनिट का क्वेश्चन हो सकता है। अब आप कहोगे मैम सेमेस्टर की स्टार्टिंग है तो क्या हम अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर दें? हमें तो कुछ पता ही नहीं करना क्या है उसमें। आपको पढ़ना आता है कि टॉपिक कौन सा बार बार पेपर में आ रहा है। आप 3-4 पेपर इसे आपने एक सब्जेक्ट उठाया फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो आप देखोगे 3-4 साल में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन ये वाला तो आता ही आता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे आप थ्योरी में आप देख रहे हो कि ये व्हाट इज स्टैट्स, इसकी इंपॉर्टेंस तो बार बार पेपर में हर साल आ रही है, नहीं तो 1-2 साल बाद रिपीट हो ही रहा है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऐसे करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं और पहले उन पे फोकस करना है। तो मान लो आपके पास 4 या 5 लाइन सिलेबस की लिखी हुई है, तो 2.5 और 3 लाइन्स के टॉपिक्स भी आप करते हो तो भी आपके 80 out of 80 आ सकते हैं। जब यूनिट वन आपने करना शुरू किया, मान लो यूनिट वन आपने उठाया, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मान लो 5, 7, 10, 15 to 20 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जब आप बुक खरीदोगे वो 15 से 20 टॉपिक्स 3 या 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होंगे। बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सिलेबस में तो सिर्फ क्या लिखे हुए हैं, टॉपिक्स, लेकिन जब आप बुक उठाओगे उसमें चैप्टर्स लिखे होंगे जिसमें ये टॉपिक्स हमारे होंगे। तो इन 5 के 5 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 चैप्टर्स करके आप वो लास्ट चैप्टर स्किप करके यूनिट 2 पे जा सकते हो, उसके 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग के करके फिर यूनिट 3 पे जा सकते हो। ऐसे सिलेबस करना है, ये नहीं यूनिट 1 का पूरा आप सारे चैप्टर्स कर रहे हो फिर यूनिट 2 के सारे चैप्टर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक बार ऐसे आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस हो जाए उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है आप एक्स्ट्रा सिलेबस भी कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। इतना सिलेबस करके भी आप 80 out of 80 मार्क्स ले सकते हो। जस्ट सिलेबस, परफेक्ट बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिला दे, टेंशन नहीं लेनी। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बुक्स जब आप पढ़ रहे हो ये माइंड में मत रखो कि मुझे चीज़ें अभी के अभी माइंड में बैठ जाएं, ऐसे कि ऐसे सच मुझे लर्न हो जाए और मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जस्ट चीज़ों को समझो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लाओ और अपने अंदर उसके कंसेप्ट बिठाओ कि कहना क्या चाहता है, इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में अपनी वर्डिंग्स में चीजें लिख पाओ। नाउ नेक्स्ट डाउट इज कि थ्योरी के नोट्स बनाए या फिर ना बनाए। देखो बहुत इजी सी चीज है, नोट्स हम बनाना क्यों चाहते हैं, ताकि हमें एक साथ सारी चीजें अरेंज मिल जाए और हमें सारा सारा ना पढ़ना चाहिए, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ के हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए, राइट। लेकिन अगर एक हमें अच्छी बुक मिल चुकी है और हम मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नोट्स का ही काम करेंगे। जितना टाइम हम नोट्स बनाने में लगाएंगे उससे बेटर है कि हम क्या करें कि उस पर चैप्टर समझने में, चैप्टर को रिवीजन करने में वो टाइम यूटिलाइज करें, ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ पाए। लेकिन अगर हम लिखने में टाइम लगा रहे हैं तो रिवीजन वाला टाइम हम बचा नहीं पाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप बुक से ही पढ़िए, अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर्स यूज किए, पेपर में जाके अच्छे से चीज़ें परफॉर्म करें। फिर भी कई बच्चों को होता है कि बिना लिखे याद नहीं हो रहा, ये हैबिट बदल दो, आगे बहुत सारे सिलेबस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मुझे भी किसी टाइम ऐसा लगता था कि बिना लिखे चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, माइंड से निकाल दो, 2-3 बार चीज़ें समझोगे, पढ़ोगे, दैट विल मल्टीपल रिविजन्स विल लेट यू कि तुम्हें हर चीज़ समझ आएगी, उस पॉइंट पे तुम पहुंच जाओगे कि
पढ़ के भी चीजें समझ आएंगी। आपके माइंड में सेट है कि बिना लिखे चीजें नहीं याद होती, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट ऐसा मैंने उसको इम्प्रूव किया चीजें, ऐसा नहीं है अब। आप कितनी चीजें लिखोगे, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इट्स बेटर समझो चीजों को, अपने वर्ड्स में लिखो, क्रैम मत करो, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है। मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को क्रैम नहीं कर सकते, तो कई मुझे बॉर्डर लगता है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होंगे, आंसर्स आएंगे कि नहीं। मैम घर पे तो हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाके नहीं होते। ये सारी चीजों का सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन लेना छोड़ दो कि कैसे होंगी ये चीजें, जस्ट मेक अ रूटीन कि 1.5 से 2 आवर आपने देना ही देना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, स्टैट्स हो, प्रोग्रामिंग हो, अकाउंट्स हो, इन सब्जेक्ट के लिए एक रूटीन बनाओ, इनको नहीं छोड़ना। थ्योरी सब्जेक्ट्स को आप जैसे एक थ्योरी का सब्जेक्ट खत्म हुआ आप सेकंड पे आ रहे हो, या एक थ्योरी सब्जेक्ट की एक यूनिट खत्म हुई दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट पे चले गए, इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को रेगुलर रखना है। आपने क्या करना है, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक। जो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उसमें, उसमें आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो क्वेश्चंस अपने आप होंगे और अपने आप कॉन्फिडेंस अप जाएगा, उस सब्जेक्ट का डर चला जाएगा। तो विदाउट एनी टेंशन जस्ट कंसिस्टेंसी से काम करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी अच्छे से हो जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए उनका क्या करना है, आपने फॉर्मूला शीट्स बनाने, जैसे जैसे फॉर्मूला करते जा रहे हो एक शीट अपनी निकाल के रखो, आज आपने 2 फॉर्मूला सीखे, वो 2 फॉर्मूला उस शीट पे नोट करो, प्लस अपनी लैंग्वेज में ये नोट करो कि इन फॉर्मूलास को कब यूज करना है। मैं आपको हर वीडियो में जो भी पढ़ाती हूँ बताती हूँ ये फॉर्मूला ये तब यूज होगा, ये फॉर्मूला अब यूज होगा, तो वो फॉर्मूला कब पर्टिकुलरली यूज होगा, उसका रीजन कब, वाई कब, क्या वैल्यू दी होगी, वो सब आप अपनी लैंग्वेज में पेंसिल से लिख सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम जब रिवाइज करो आपको एक फॉर्मूला पढ़ने से पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डील करना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, उसका सोल्यूशन लेके भी मैं आपको मिलूंगी इसी चैनल पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।